जोहार दोस्तों, अभी मैं सड़क से गुजर रहा था। आपको ये गोविंदपुर एरिया का खकरी पाड़ा, पुराना खकरी पाड़ा एरिया, तो मैं एक इन औरतों की भीड़ देख करके मैं यहाँ रुक गया। और ये क्यों इतनी भीड़ है इन लोगों की, औरत के, मैं चार पांच औरत को देख करके मैं रुका कि ये लोग कर क्या रहे हैं। मैं सोचा कि मछली वगैरह पकड़ रहे होंगे, तो मैं अद्भुत लगा। देखिए, मैं अपने कैमरामैन सभी से कहूँगा कि इनको दिखाई, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये पानी निकाल रहे हैं, पानी निकाल रहे पानी हैं निकाल रहे हैं, तो आप लोग पीने के लिए। ये कुआ क्या आप ही लोग अपना सा बनवाया है क्या? पहले पहले बुजुर्ग बुजुर्ग लोग, लोग अच्छा बनाए, बड़े बुजुर्ग लोग पहले बनाए थे। अच्छा हाँ तो आप लोग ये 12 महीना पानी इसी से लेते हैं? तो हाँ 12 महीने यहीं से हम लोग पानी पीने का निकालते हैं। सरकार के द्वारा, गांव कितना बड़ा गांव है? नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है। अरे फिर भी सरकार के द्वारा आप लोगों को नल वल का व्यवस्था नहीं किया गया है? हाँ, व्यवस्था किया गया बस्ती के अंदर में, बस्ती के बाहर नहीं। अच्छा, हाँ बस्ती के बाहर और अंदर से मतलब हम समझे नहीं। नहीं, यहीं से हम लोग, मतलब ये तो खेती और तालाब के बीच में है ना, तो यहाँ का पानी मीठापन है। हम अच्छा खाना सब हम लोग का ठीक बनता है, तो खाना दाल सब चीज। अच्छा तो और जो बस्ती में जो है टंकी वगैरह, वहाँ का पानी नमक है, वहाँ का पानी से ना खाना हम लोग का बर्बाद हो जाता है एकदम। तो जब वो टंकी बना होगा तो मुखिया व ग्राम प्रधान के, उन लोग के सहयोग से बना होगा, तो उन लोग जानते नहीं कि कहाँ का पानी अच्छा है, कहाँ का पानी अच्छा खराब है? हाँ, ये तो हम नहीं बोल सकते हैं। वहाँ पानी निकलता है उसमें टंकी में? हाँ, पानी आता है। हाँ, तो यहाँ और ट्यूबवेल वगैरह है कि नहीं? ट्यूबवेल ट्यूबवेल तो नहीं है। एक भी नहीं है? नहीं है। तो आप लोग पूरे गांव के लोग इसी कुएं से पानी लेते हैं? यही से ही। तो यही दोस्तों से देखिए, ये कुआं जो देखिए आपका कितना पुराना लगभग है? बहुत ये तो हम भी नहीं बोल सकते हैं, हम भी बहुत। पुराना है। हाँ हाँ हाँ, बड़े बुजुर्ग लोग बना के गए हैं। हाँ, तो वो चाची जानती होगी आप? हाँ, नहीं जानता। अरे आप इतना साल हो गया, इतना साल, बहुत साल, इससे भी बड़ा आप कब से देख रहे हैं इसको? अच्छा, देख रहा है तो छोटा से ही देख रहा है, बचपन से ही। बचपन से देख रहे हैं? अच्छा, तो आप लगभग 35-40 साल से देख रहे हैं, तो उससे और पहले हाँ, होगा। उससे पहले बना हाँ, हुआ है, पहले से ही। तो ये पानी इसमें बढ़िया रहता है? हाँ, बढ़िया रहता है, फिल्टर पानी से भी अच्छा है। हाँ। तो आप दोस्तों देख सकते हैं, आज 2023 में भी आज एक गांव के बाहर एक छोटा सा कुआं से पानी ये लोग निकाल रहे हैं। सरकार के द्वारा इन लोग ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं है इस खकरी पाड़ा, खकरी पाड़ा ना? हाँ, खकड़ी पाड़ा, पुराना खकड़ी पाड़ा गोविंदपुर जमशेदपुर में। और ये हमें बहुत ही आश्चर्य में डालता है कि ये लोग देखिए छोटे छोटे बर्तनों से पानी निकाल रहे हैं। आज इस कुएं से पानी भी बहुत कम है, पानी खत्म नहीं होता इसमें? खत्म हो हाँ, जाता है सूख एकदम, जाता है, पूरा लाइन लगे रहते हैं। तब जब खत्म हो जाता है ना, हाँ, तो लाइन का अनुसार लाइन पानी के लेते अनुसार हैं, हम लोग को पानी बैठना लेते पड़ता है, हैं। इंतजार करना पड़ता है कि कब में भरेगी वो, उसका लाइन हाँ, आएगा, फिर वो भरेगी, फिर एक मेला घंटा में मेरा तो लाइन आएगा, फिर हम पूरा हो जाएगा। अच्छा, भरेंगे। मतलब आप लोगों को लाइन लगना पड़ता है? हाँ, लाइन लगाना पड़ता है। अच्छा, तो मान लीजिए कम से कम 50-60 औरतें लाइन में आ जाएंगे, तो आप लोगों को तो कम से कम 2-3 घंटा लग जाता होगा? 2-3 घंटा हम लोग को रात हो जाता है रात हो जाता है? एकदम। सुबह 6 बजे में लगा देते हैं, तो हमको शाम को ले जाना पड़ता है। ऐसा बात है। तो देख, इन लोगों की परेशानियां, गांव वालों की, महिलाओं की परेशानियां देख सकते हैं। सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ पर एक कम से कम कितने, यहाँ टंकी कितना है? टंकी 2 ठो, 1 ठो सबसे नीचे में है और 1 ठो यहाँ रोड के बगल में है। अच्छा, तो कहाँ उसमें पानी आता है? सब में पानी? सब में पानी आता है, पानी नम लेकिन टाइम से पानी नहीं मिलता है। अभी तक हम लोग को सुबह 8 बजे से पानी चाहिए, तो हम लोग को मिलता है 1 बजे या 2 बजे। हाँ, कभी कभी 3 बजे जाता है, कभी कभी तो होता है ना, छोड़ता ही नहीं है पानी। अच्छा, तो ये हाँ, पानी छोड़ता कौन है? बाहर से कोई आता है कि गांव वाले का? गांव का ही है, गांव का ही है। तो गांव के लोग क्यों नहीं छोड़ते? अब क्या बोलेंगे उसको, एक बार हम लोग मीटिंग में भी बैठा था, तो फिर बोली कि ठीक है, तब हर एक आदमी को एक एक बार, एक एक मतलब महीना में 2 जन ना 3 जन चुना गया था कि इसका आज आपको छोड़ना है, कल आपको छोड़ना है, तो चाबी देती नहीं है, अगर दे भी देगी तो पीठ पीछे बोलती है। वो जो देती नहीं है कौन है? मुखिया है, ग्राम प्रधान है, वार्ड पार्षद है, कौन है? नहीं, वो समिति है।
समिति है, तो समिति के लोग ये जो ये सरकारी चीज है, सरकार के लिए है, सबके लिए, गांव वालों के लिए है, तो गांव वाले जब पानी की आवश्यकता होगी तो पानी लेने तो आएंगे, तो बंद करने वाले वो चाबी लेके बंद क्यों करेगी, बंद करना ये सही नहीं है। नहीं नहीं मतलब अभी घर घर मतलब पाइप दिया गया है, नल दिया गया है, तो छोड़ेगी तो पानी छोड़ेगी तब ना घर घर जाएगा पानी, तो आप उसका मर्जी, वो जब उसको छोड़ने का इच्छा रहेगा या घर में जब रहेगी तब वो छोड़ती है, और जब अगर मतलब उसका मन के ऊपर है, अगर उसको हम देखिए हर एक जगह में सरकारी वाला पानी दिया गया है, वहाँ छोड़ा जाता है 7 बजे से लेके उसका 1 बजे तक रहता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर कम से कम कभी किसी का आधा डेगची भरता है, किसी का एक डेगची भरता है, या किसी का एक जार भरता है, नल को बंद कर देते हैं। हाँ नल को बंद कर देता है, कभी 15 मिनट, कभी आधा घंटा, आधा घंटा भी ढंग से नहीं, आधा घंटा भी ढंग से पानी नहीं मिलता है। अच्छा, मान लीजिए उसका परिवार कहीं शादी ब्याह में चल गया तो फिर 2-3 दिन तो हम लोग को क्या क्या करेंगे, जाके हम लोग को ढो के लेके आना है, जो सप्लाई वाला नल है उसमें अभी उसके बाद तो पानी नहीं आएगा, घर में जब रहेगी नहीं तो कौन चालू करेगा, अभी खुद को अपने साइकिल से जार ढो के लेके जाएंगे, उसके बाद भर के लेके आएंगे घर, वैसे ही अभी चल भी रहा है। तो मैं DC साहब से और खास करके मैं सरकार से निवेदन करूंगा, देखिए ये परेशानियां हैं, ये जमशेदपुर के बगल में होते हुए एकदम खास शहर के बगल में ये बस्ती है, और यहाँ के लोगों की ये परेशानियां हैं। देखिए कि इन लोगों को जो टंकी दी गई है उसकी चाबियां समिति के अंदर रहती है, और समिति वाले उसमें वो लापरवाही पूर्वक पानी की सप्लाई करते हैं, तो इसको एक निदान किया जाना चाहिए। खगड़ीपाड़ा गोविंदपुर में ये परेशानी है ये महिलाओं की, और उस मजबूरी बस उसकी पानी भी सही नहीं है, तो ये छोटे से कुआं से लोग पानी निकालते हैं, और ये पानी निकालने में इन लोगों का आधा दिन बीत जाता है, क्यों हाँ। तो इन लोग अगर आधा दिन बीत जाता है, तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि कम से कम इस कुएं को बनाने का व्यवस्था करें, ताकि इन लोगों के, और खासकर ये पानी बहुत ही स्वच्छ और शुद्ध है, बहुत ही अच्छा पानी है, थोड़ा मेरे को पिलाइए ना, पिलाइए, कोई है छोटा सा जगह, देखते हैं कैसा लगता है, छोटा सा, थोड़ा सा, उसमें पूरा भर जाता है, उसमें उसके बाद इसको जूठा करें, खेती का पानी और ये वाला पानी एकदम मैचिंग दिखता है, हां ये वाला थोड़ा ऊपर से रहने से क्या है ना, मैं ऊपर से पी के देखता हूँ कैसा लगता है, हाँ बहुत ही अच्छा है, एकदम फिल्टर पानी से, मतलब एकदम RO का पानी फेल है इसके सामने, तो वाह बहुत ही बढ़िया, इतना ठंडा लगे, इतना धूप रहेगा ना इसमें, पानी इतना ठंडा रहता है यहाँ का, हाँ हाँ थैंक यू। तो मैं सरकार से मैं निवेदन करता हूँ, DC साहब से निवेदन करता हूँ कि ये कुआं को कम से कम चौड़ा किया जाए, इसको एक सुविधा पूर्वक इसको बनाया जाए, ताकि गांव वाले इसका उपयोग कर सके, इसमें चक्री लगाया जाए, उसमें रस्सी की व्यवस्था की जाए, और उसको कम से कम 3-4 चक्री लगा देंगे तो गांव वाले ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकाल सकते हैं, और इसमें पानी भी सप्लाई भी कर, क्योंकि ये काफ़ी, मुझे लगता है कि कम से कम 100 साल पुराना खुदा हुआ कुआँ है, तो और नीचे पत्थर भी जो है वो धंसता जा रहा है, तो मिट्टी के कमज़ोर हो गई है, तो इसको अगर बनाया जाए तो हो सकता है कि ये और भी कुछ ज़्यादा वर्षों तक चले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके पानी को उपयोग में ला सके। तो मैं इतना ही दिखाते हुए आप सबसे विदा चाहता हूँ, दोस्तों जोहार, जय झारखंड। हाँ के हम लोग कोड़े, फिर पानी निकल रहा है, नहीं तो फिर भी बहुत कम था, कब कोड़े थे, हो गया था, हम और ए दोनों उतरे थे, हाँ नीचे साफ भी किए, सीढ़ी लगा के फिर साफ किए, मिट्टी सब निकाले बाहर, फिर डब्बा उब्बा था वो सब भी निकाले, बर्तन निकाले वो सब निकाले, फिर से पानी ले रहे, नहीं तो पानी तो था ही नहीं, पूरा कम हो गया था, पूरा साफ सफाई। अच्छा, तो आप लोग इसके ऊपर एक, जब यहाँ पानी नहीं तो ढक दीजिए ना, टीना का बना करके इसको ढक दीजिए, ढकने की व्यवस्था, टीना का ढकेंगे तो और फिर पानी लेने आएगा, मतलब आते जाते रहता है, रोड बनाने वाला भी पीता है, लेकिन और सब जो लेडीज लोग या जेंट्स लोग हैं वो लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, कोई गारंटी नहीं है, हम लोग तो ढक देंगे, फिर ओ लोग भी यहाँ पर पी रहा था पानी, ओ लोग भी यहाँ पर लाइन लगा रहता था, चलिए
इतना ही मैं इन लोगों की जो परेशानी है, सरकार से आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, झारखंड सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना है थोड़ा हम लोग का कुआं थोड़ा बड़ा कर दीजिए, थोड़ा सा ऊंचा। हाँ, गाँव वाला लोग भी साथ देने नहीं खोज रहा है ना, अकेला आदमी कितना सोचेगा। इसलिए बोल रहा कि सरकार से निवेदन है कि हम लोग का थोड़ा ये पीने का पानी का थोड़ा व्यवस्था कर दीजिएगा, थोड़ा कुआं को बड़ा कर दीजिएगा और ऊंचा कर दीजिएगा, जो कि हम लोग को और पूरा बस्ती को मतलब एक तो सपोर्ट मिल जाएगा। हाँ, हम लोग को पीने का पानी का दिक्कत नहीं होगा वैसे में। जेंट्स को क्या, जेंट्स को बैठे बैठे मिलना, करना तो आप लोग को है ना। हम लोग को है ना, जेंट्स को तो बैठे बैठे सब चीज मिल जाएगा, लेकिन लेडीज को तो दूर दूर से पानी लेके आना पड़ता है ना, उसको लेके आएंगे फिर बनाएंगे फिर उन लोगों को खिलाना तो पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जोहार, जय झारखंड। इतना ही देखिए, इनकी परेशानी जो है कम से कम सरकार तक पहुँचे, ठीक है, और इसका कुछ निदान किया जा सके।